यूएनडीपी की नई रिपोर्ट। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 21-22 यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में 191 देशों में से भारत है 132वें स्थान पर। पिछले साल था 131वें स्थान पर। आइए जानते हैं एक साल में एक और सीढ़ी कैसे लुढ़क गया है भारत। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो 8 सितंबर 2022 को जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर आ रहा है। पिछले साल देश 131वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और जलवायु संकट यानी कि क्लाइमेट चेंज ने 90% देशों के मानव विकास सूचकांक पर असर डाला है। ये चुनौतियां भारत के मानव विकास मूल्य के लिए भी जिम्मेदार थीं, जो 2021-22 में 2020 की रिपोर्ट में 0.645 से गिरकर 0.633 हो गई। नए विश्लेषण के अनुसार इस कमी ने देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है। मगर किन मापदंडों में तय होती है रैंकिंग, वो जानते हैं। क्या है इंडिकेटर्स? बता दें कि ये रैंक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाता है। इसे 4 मापदंडों पर मापा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशी यानी कि एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष यानी कि एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष यानी कि एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है वो बताते हैं। वैश्विक रुझानों की तरह भारत के HDI में 2018 में 0.645 से 2021 में 0.633 तक की गिरावट को जन्म के समय गिरती जीवन प्रत्याशा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा भारत में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष है और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 वर्ष है। वहीं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5.25 लाख रुपए है। अंतर सरकारी संगठन ने स्वास्थ्य और शिक्षा में भारत के निवेश की सराहना तो की है, जिससे इसे 1990 के बाद से वैश्विक मानव विकास औसत के करीब आने में मदद मिली। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देश स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार कर रहा है। जी हाँ, मगर क्या है भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति वो भी जान लेते हैं, एक तुलना हो जाएगी। तो मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका को 73वें स्थान पर रखा गया है, इसी के साथ चीन को 79 स्थान पर रखा गया है, भूटान को 127वां, बांग्लादेश को 129वां, नेपाल को 143 और पाकिस्तान को 161वां रैंक प्राप्त है। तो टॉप 5 देश कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है, इसके बाद नॉर्वे, फिर आइसलैंड, फिर हांगकांग और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो दोस्तों, ये था यूएन की नई रिपोर्ट का शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं साहिबा खान, आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @ झांसी से रानी पर। आप देख रहे हैं अनकट।